या जो काफिर लोग थे जो कि मंसूबा पाले हुए थे, इन्होंने हमारे खूबसूरत देश को भी दो हिस्से में बांट दिया। ऐसे सिवान की विरासत से हम तुमको ललकार रहे हैं, तुमको हम बोलना चाहते हैं कि केवल देश को आजाद कांग्रेस पार्टी नहीं कराया, कांग्रेस पार्टी ने एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाया। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना लोग देख रहे हैं वह तो होने से रहा, इस जन्म में तो दोस्त पूरा नहीं कर पाओगे, इस जन्म में तुम पूरा नहीं कर पाओगे। आजादी के आंदोलन में जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया, इस देश से अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ कर भगाया और देश को आजाद कराया, हंसते हंसते न जाने कितने लोग फांसी के फंदे को चूम गए और तुम वैसी कांग्रेस पार्टी से मुक्त कराने की बात भारत की कर रहे हो। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने न केवल इस गोरे अंग्रेजों को भगाया और असंख्य लोग शहीद हो गए, अपनी कुर्बानी दी, जान की बाजी उन्होंने हंसते हंसते जान की बाजी लगा दी। जब अपना मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो संविधान सभा बनी और संविधान सभा में भी जो एक व्यक्ति का नाम चयन किया गया संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए, उनका भी नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कि सिवान की धरती से है। ऐसे सिवान की विरासत से हम तुमको ललकार रहे हैं, तुमको हम बोलना चाहते हैं कि केवल देश को आजाद कांग्रेस पार्टी नहीं कराया, कांग्रेस पार्टी ने एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाया। सुई नहीं बनता था, यहां लोग खाने के लाले पड़ रहे थे, हमारे पूर्व के वक्ता साथियों ने विस्तार पूर्वक बताया, और उससे एक खूबसूरत हिंदुस्तान का निर्माण कराया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रीवी पर्स को खत्म किया गया, एक से एक काम किया गया देश की जनता के भलाई के लिए, एक मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन फिर भी यह जो काफिर लोग थे जो कि मंसूबा पाले हुए थे, इन्होंने हमारे खूबसूरत देश को भी दो हिस्से में बांट दिया। और आप याद कीजिए, जब आजादी का आंदोलन जब चल रहा था उस समय भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी, इस बात को आप याद कीजिए, इतिहास गवाह है। और आजादी के बाद जो खूबसूरत देश बना, एक से एक काम यहां किए गए, सेल भेल, यहां नवरत्न बनाए गए, यहां पर नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, एक से एक उन लोगों ने काम किया, उस विरासत के हम वाहक हैं। आज सिवान के अंदर में हाथ से हाथ जोड़ा यात्रा के दरमियान पटेल जी की मूर्ति से हम लोगों ने इस यात्रा को शुरुआत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अलग अलग हिस्से में, जो देश बटा हुआ था कई हिस्से में बटा हुआ था, वह कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता थे, वह देश के पहले गृह मंत्री थे, उस मूर्ति को नमन करते हुए सिवान के अंदर में हम लोगों ने यात्रा को शुरू किया है। और उसके बाद तुम बार बार कहते हो कभी नेहरू और पटेल के बीच में, इतिहास के दो जो वीर अनन्य सेनानी थे, स्वाधीनता सेनानी थे, उनको तुम अलग अलग करने की बात करते हो, कभी भगत सिंह और अंबेडकर के बीच में तुम तफरका पैदा करने की कोशिश करते हो। भारत की आजादी के बाद जो सबसे खूबसूरत उपहार मिला इस देश को, वह है भारत का संविधान, जो इस बात को तय करता है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे 1 लाख रुपया टैक्स भरने वाला हो चाहे 1 रुपया टैक्स भरने वाला हो, चाहे खेतों में काम करता हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुकेश अंबानी की संतान हो, सबकी वोट का वैल्यू एक कर दिया इस देश के संविधान ने, इस बात को तय किया। और इस बात को तय करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान लिखा गया, इस बात को सब जानते हैं। इस बात को आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति
कांग्रेस पार्टी का उन्होंने नेतृत्व किया उस देश में, उस दौर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया जिस दौर में विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे उस समय भी वह एक धोती जो कि आधा पहने हुए थे आधा ओढ़े हुए थे वह जाके उस हालत में भी वह जाके मिले वहां पर गोलमेज सम्मेलन में जाके हिस्सा लिए। उन्होंने कहा कि मेरे हिंदुस्तान की जो हालत है इस हालत के जिम्मेदार आप हैं और यह नेतृत्व तो इन्होंने किया। उन्होंने पूरे देश के अंदर में अलग अलग इलाके के अंदर में चलते हुए इस देश के लोगों के जज्बात को जुनून को उभारने का काम किया, सारे देश के लोगों को एक किया। वह बाद में महात्मा गांधी कहलाए और उस मोहनदास करमचंद गांधी जो महात्मा हमारे देश में है राष्ट्रपिता इस देश ने माना उसको तुम मानने वाले तुम्हारे तुम्हारे वारिसों ने तुम्हारे गोडसे ने उनको गोली मार दी। तुम क्या बात करोगे कि तुम कांग्रेस मुक्त भारत बनाओगे, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि या जब एक तरफ तो इनके मन में गोडसे रहता है लेकिन सामने जाकर जब गांधी जी की जयंती आएगी जब 30 जनवरी का शहादत दिवस उनका आएगा वह जाके राजघाट पर जाके फूल वहां जाकर ठहराएंगे उस समय भी निश्चित ही मोदी जी इस बात को याद रखिएगा उस समय भी आपको इस बात को जरूर ख्याल रहता होगा कि अभी तो हम मीडिया के सामने कैमरे के सामने हम गांधी गांधी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना मन में बार बार डोल रहा है गोडसे कहीं कर रहा है। इस बात को हम कहना चाहते हैं दोस्तों आज जब देश के अंदर में इस तरह के हालात हो गए तो आज के दौर के गांधी हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने एक लंबी यात्रा चलने का काम किया। राहुल जी के नेतृत्व में जो एक यात्रा निकली भारत जोड़ो यात्रा वह यात्रा जब शुरू हुई कन्याकुमारी में उस समय ही बारिश होनी शुरू हो गई, जब खत्म हुई तो उस समय बर्फबारी हो रही थी। चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे बर्फ गिर रहा हो चाहे ओले गिर रहे हो इस देश की खूबसूरती इस देश की विविधता को समेटते हुए राहुल जी अपनी यात्रा को पूरी किए और यह कोई साधारण बात नहीं। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो कि कन्याकुमारी से चलते हुए क्या चल सकता है उतनी दूर तक, आप सोचिए कि रोज बरोज आप कितनी दूर तक चल पाते हैं।